बुधवार को रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए भवानीगंज स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर सरकार का पुतला दहन किया। नगरपालिका के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ बढ़ती महंगाई से आम जनता पूरी तरह त्रस्त है, तो वहीं सरकार ने बच्चों की स्कूल कॉपी किताब के साथ ही गैस सिलेंडर, पानी और बिजली महंगी करने के साथ ही खाद्य सामग्री में भी बेतहाशा बढ़ोतरी की है। इसे कम करने को लेकर सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है, लेकिन शराब के दाम कम करके सरकार ने जो फैसला लिया है वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार को शराब के दाम कम ना करके बढ़ती महंगाई के दामों में कमी करनी चाहिए। उन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए महंगाई पर रोक लगाने की मांग की है और मांग पूरी ना होने पर कार्यकर्ताओं ने उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। देखिए, इसमें आप ये देखिए, शहर हमारे सरकार जो है धामी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, इतना उल्टा काम है कि शराब सस्ती और बच्चों की कोर्स की किताबें महंगी हैं, दूध महंगा है, सब्जी महंगी है, सिलेंडर महंगा है, शराब सस्ती है, खूब पियो भैया सस्ती है। तो इसलिए आज हमारे कांग्रेस जनों ने अपने सबने मिलकर पुतला फूंका है इस सरकार के खिलाफ, ताकि उन्हें होश आए और इस महंगाई की और बेरोजगारी की तरफ वो अपना ध्यान करें।